मिलिए फूड आर्टिस्ट जावेद अहमद से, जो फलों और सब्जियों से अलग अलग कलाकृतियां बना उन्हें अलग अलग रूप में पेश करते हैं। कश्मीर घाटी में फलों सब्जियों पर नक्काशी करने वाले एकमात्र कलाकार 30 वर्षीय जावेद अहमद मलिक, जो कला को बढ़ावा देने के मिशन पर हैं, कहते हैं कि कौशल वाले लोग चमत्कार कर सकते हैं। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा के पंडितपुरा इलाके के रहने वाले मलिक ने टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री और श्रीनगर से फूड प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया है। इसके अलावा उन्होंने चेन्नई से आइस कार्विंग में डिप्लोमा भी किया है और थाईलैंड से फ्रूट कार्विंग का कोर्स किया है। मेरा नाम जावेद अहमद मलिक है, मैं एक बॉलमी रिटायर हूँ। मैंने मास्टर्स लिया उसमें, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया कॉलमेरी आर्ट्स में, जो कि 1.5 ईयर होता है। उसके बाद मैं चला गया थाईलैंड, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, जो फूड एंड वेजिटेबल कार्विंग होता है, जो डिस्प्ले के लिए होता है ज़रूरी होटल इंडस्ट्री में, वो मैंने थाईलैंड में सीखा है। मलिक कम से कम 8 वर्षों तक कश्मीर घाटी के विभिन्न प्रतिष्ठित होटलों में शेफ रहे हैं। वर्तमान में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जम्मू में हैं, जहां वो फूड क्राफ्ट कला सिखा रहे हैं। उनकी कला की हर तरफ सराहना की जाती है। उन्होंने तरबूज पर प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला का स्केच बनाया था, जो लोगों ने बहुत पसंद भी किया। सिंगर रहा, उसकी याद में मैंने बनाया न्यू ईयर पे। कौन रहा फेवरेट सिंगर? सिद्धू मूसेवाला।